बारे में बताऊंगी और उसकी हेमोपैथिक दवा के बारे में बताऊंगी। तो मैं डॉक्टर रेखा सिन्हा, आपके और मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अस्थमा और दमा एक लॉन्ग टर्म बीमारी है जो सांस नली में लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। गले में सूजन आ जाती है और जैसे आप सांस लेते हो तो सांस लेने में सीटी बजती है, तो उसे कंडीशन में हम लोग अस्थमा कहते हैं। चलिए अब हम आपको सारे सिस्टम बताते हैं। आपको सांस लेते समय सीटी की आवाज़ आएगी। दूसरा इसका सिम्टम्स है, आपको सांस लेने और छोड़ने में तकलीफ होगी। तीसरा इसके सिम्टम्स है, बार बार आपको खांसी आना। ये तीन है अस्थमा के सिम्टम्स और यही डायग्नोसिस। अगर अस्थमा लंबे समय तक है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, तो आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएं। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इफ़ेक्टिव है? तो दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन, बताती हूँ अस्थमा के लिए। R43 इसके डोजेस हैं R43 के। एक चम्मच पानी में 10 से 15 ड्रॉप डालकर आप सुबह और शाम आपको लेना है। लगभग 6 महीने तक लेना होगा। और इसमें परहेज है, आपको दही, खट्टा, प्याज, ठंडे चीज़ों से परहेज करना होगा। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।